हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर मेरी सुबह की क्लीनिंग चल रही है और आज है रविवार। तो रविवार के दिन ना मैं हमेशा रविवार के दिन हमेशा डीप क्लीनिंग ज़रूर करती हूँ घर को, क्योंकि हफ्ते में ना एक बार तो हमें डीप क्लीनिंग करनी ही चाहिए घर की। उससे है ना कि हमारे घर गंदी उतनी नहीं होती, गंदी साफ़ सुथरा ही रहती है, अच्छा रहता है देखने में हफ्ता में हो जाए तो। लेकिन अगर हम नहीं करेंगे हफ्ते में साफ़ सुथरा घर को ना, तो इतने झोली हो जाते हैं, इतने गंदे हो जाएंगे ना, सभी चीज़ों पर जगह जगह पर धूल मिट्टी लग ही जाते हैं। क्योंकि मेरा घर आप देख रहे हो कि कैसे है, बाहर मिट्टी वगैरह भी है तो घर के अंदर ना मिट्टी वगैरह चप्पल से आ जाते हैं। तो हफ्ते में एक बार तो डीप क्लीनिंग मैं करती ही हूँ अपने घर को अच्छी तरीके से। और जानते हैं हफ्ते में ना हो जाते हैं झोले वगैरह बहुत जल्दी लगा लेते हैं मकड़ा वगैरह, तो उसे भी मैं अच्छे से पूरे घर में ना मकड़ा वगैरह को सब सफाइयाँ की हूँ झोली वगैरह, क्योंकि घर में ना झोली बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मैं तो ऐसे भी रोज़ जब भी झाड़ू देती हूँ तो देखती हूँ ना, अक्सर कहीं पर भी मुझे नज़र आ जाता है ना, तो मैं झोली वगैरह झाड़ लेती हूँ। और वैसे और हफ्ते में एक बार तो मैं अच्छी तरह से ही झोली को झाड़ती हूँ, देखकर एक एक चीज़ को तो सफाइयाँ करती हूँ। वैसे है ना कि अच्छा रहता है। और रविवार के दिन ये हो जाता है ना मेरा ना कि आराम से मैं कोई काम करती हूँ, जल्दी कुछ का जल्दी नहीं होता है, क्योंकि उस दिन ना नाश्ता लेट से करते हैं बच्चे आराम से। और इसलिए तो यहाँ पर इतने सारे मुझे कपड़े धोने हैं, तो ये सारे जो कपड़े हैं ना जो रख दी थी यहाँ पर, तो अंदर तो मेरा झाड़ू वगैरह लग गया है, अच्छे से झाड़ू लगा दी हूँ। और इसके बाद बाहर ना मैं जा रही हूँ झाड़ू लगाने, तो सारे कपड़े को मैं कुर्सी पर रख देती हूँ पहले, क्योंकि सारे कपड़े को ना मैंने घर के बाहर कर दिए थे जो मुझे धोना है, और है जो इधर उधर से सभी जगह से बटोर कर मैं रख दी हूँ कुर्सी पर। और ये है जूते चप्पल वाला रेक, जो मैं इसे भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी, सारे जूते चप्पल को हटा दूँगी, और धूल वगैरह जम जाते हैं अगर साफ़ नहीं होंगे ना एक हफ्ते, तो इसमें धूल वगैरह हो ही जाते हैं, क्योंकि बच्चे जब जूता पहन के जाते हैं स्कूल वगैरह कहीं भी जाते हैं चप्पल पहन कर, बाहर से अंदर आते हैं तो धूल वगैरह उसी तरह रखा जाता है रेक पर, तो धूल वगैरह उस पर हो जाती है, तो उसे भी मैं इसे अच्छी तरह से झाड़ू देकर साफ़ कर दूंगी। और ये देखूंगी, इसमें मैं ध्यान दूंगी कि जूते चप्पल में मैं झाड़ू ना लगाऊं, क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी का दूसरा रूप होता है और झाड़ू वगैरह जूते चप्पल में नहीं लगानी चाहिए। तो ये ध्यान देकर मैं अच्छे से झाड़ कर जूते चप्पल को अच्छे से झाझड़ कर अच्छे से रख दूँगी। और इसके बाद पूरे इस बरामदे को ना अच्छे से मैं साफ़ कर दूंगी, झाड़ू लगा दूंगी। और ये है फ्रेंड्स पैंप, जो मैं घर वगैरह रविवार धोती हूँ। वैसे तो ये पैंप मैंने लिया था गाड़ी वगैरह धोने के लिए, लिए थे हस्बैंड जी ने, तो इसी से मैं घर वगैरह भी साफ़ कर देती हूँ। तो वैसे तो रोज़ मैं घर नहीं धोती हूँ, क्योंकि अगर रोज़ हम पानी से घर धोएंगे ना, तो हमारा जो गेट वगैरह है ना, जो लकड़ी का होता है गेट, वो ख़राब हो जाता है। इसलिए रोज़ घर में नहीं धोती हूँ, हाँ हफ्ते में एक बार अच्छे से धो लेती हूँ। तो वही आज रविवार मैं हमेशा घर को अच्छे से डीप क्लीनिंग करती हूँ, धोती हूँ अच्छे से पानी से, ताकि जितने धूल मिट्टी सारे हैं ना सारे निकल जाए मेरे घर के अंदर से।
और अच्छा से दीवार जो है ना, दीवार पर भी थोड़ा थोड़ा पानी देकर ना अच्छे से रगड़ कर निकाल देती हूँ। वैसे ना ये मेरा ये पेंट है, ये क्या कहते हैं चूना नहीं है, जिससे कि ये चूना, अगर चूना रहता ना तो दीवार धोती ना तो निकल जाता है, तो ये पेंट है। और यहाँ पर देखिए बाहर आ गई हूँ इसके बाद, और बाहर भी अच्छे तरह से पानी से मैं धो दूँगी। तो ये तो ईटा का है, थोड़ा सा खरंजा बिछा हुआ है, तो अच्छे से इस तरह से रगड़ 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 के मैं साफ़ कर दूँगी। और ये जानते हैं ना, वहाँ पर जो रगड़ रही हूँ मैं अभी, तो काला काला काई लगा हुआ है, तो उसे भी रगड़ रगड़ कर सोच रही हूँ कि छोड़ा दूँ, लेकिन छूटने वाला है नहीं। कुछ कुछ सूख जाए, मेरा मतलब है कि कुछ कुछ छूट जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। और अब तो पानी शायद उतनी ना पड़े, हो सकता है अभी तो धूप 3-4 दिन से उग रहे हैं भगवान जी, तो अभी तो धूप ही है, तो हो सकता है कि नहीं पड़े भी, और ठंडा में पड़ता भी नहीं है पानी उतनी, तो इसलिए सोच रही ना कि थोड़ा थोड़ा ना साफ़ कर दूँ इन चीज़ों को, जो रगड़ रगड़ के जो काई लगा हुआ है तो वही साफ़ कर रही हूँ। और साफ़ करने के बाद आ गई हूँ यहाँ, देखिए मेरा ये है मनी प्लांट, और मनी प्लांट भी ना पूरा खिल गया है मेरा, दोनों का दोनों खिला हुआ है, दोनों का दोनों मेरा लग गया है। तो मैं ना हफ्ते में ना ये जो बोतल वाला पानी को बदल देती हूँ, अभी तो मैं इसी तरह पानी इसमें डालकर ऊपर नीचे कर दी हूँ, लेकिन ये ना हफ्ते में मैं इसे साफ़ करती हूँ बोतल को, और उसमें नया पानी डाल देती हूँ। और यहाँ पर ये हर्षराज है, और इसे बोल रही थी कि मोटरसाइकिल हटाओ, मुझे उधर से साफ़ सुथरा करनी है उधर वाला। तो मैं सोच रही ना आज ना रगड़ रगड़ के बाहर भी साफ़ कर दूँ, थोड़ी बहुत जो चिकनाई है ना ऊपर से छूट जाएगा तो अच्छा रहेगा, जो थोड़ा देखने में अच्छा लगता है ना, कहते हैं ना घर का दुवारी साफ़ सुथरा होना चाहिए तो ही अच्छा लगता है देखने में। तो वैसे तो साफ़ की तो रगड़ रगड़ को की हूँ, लेकिन देखिए अभी भी काई लगा हुआ है, एक दिन में नहीं छूटेगा, ये धीरे धीरे हो जाएगा। और इधर सोच रही हूँ ना कि आज ये जंगल जो है ना साफ़ कर दूँ इधर का, क्योंकि थोड़ा थोड़ा साफ़ अगर करूँगी ना तो ठीक रहेगा, वैसे एक साथ पूरा आंगन साफ़ करूँगी तो ठीक नहीं होगा। तो मैंने सोचा है आज कि आज इतना ही दूर अच्छे से इसे सारे घास को कवाड़ देती हूँ, जो फालतू वगैरह घास यहाँ पर पड़े हुए हैं, तो इसे साफ़ सुथरा करके मैं इस तरह से घास निकाल दी हूँ, और इतना सारे घास निकले हुए हैं तो इन सारे घास को ना उस तरफ फेंक दूँगी, उधर बाहर जाकर भीग फेंक दूँगी। और इधर मैं झाड़ू से अच्छी तरह से झाड़ दूँगी, झाड़ू दे दूँगी उसे। और यहाँ पर सोच रही हूँ कि थोड़ा साफ़ सुथरा नीप पोत दूँ, कि नीप देने से ये होता है ना कि सुंदर दिखेगा भी, आंगन लगेगा द्वारे के सामने। और नवरात्रा भी आ रही है तो नवरात्रा मैं करती हूँ, तो यहाँ पर सोच रही हूँ कि साफ़ सुथरा रहेगा ना तो सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा देखने में। और कहते हैं ना कि साफ़ सुथरा घर हो तो लक्ष्मी माँ घर में प्रवेश करती हैं, अच्छा लगता है, मन बड़ा शांत रहता है अगर साफ़ सुथरा रहता है तो घर का द्वारी तो साफ़ सुथरा होनी ही चाहिए और रखना भी चाहिए हमें, क्योंकि घर का द्वार ही है ऐसा कि हमें हमेशा साफ़ रखनी चाहिए, एकदम सुंदर से स्वच्छ। तो ये है ना आंगन, मैं इधर का साफ़ कर दे रही हूँ, और अच्छे से ये जो मिट्टी है ना पहले फुला ली थी मैंने पानी से, और इसे अच्छे से इस तरह से दबा दबा कर मैं चिकना कर दूँगी हल्का हल्का। और ये ना मेरा पास गोबर वगैरह तो थी नहीं, लेकिन मिट्टी से ही मैं अच्छे से वहाँ पर इस तरह से नीप दी हूँ, नीप पोत दी हूँ। तो देखिए मेरा आंगन कितना सुंदर आज लग रहा है, आपको दिखाती हूँ, ये देखिए है ना, आज लग रहा है कि आंगन है। तो उतने दिन तो लग रहा था कि आंगन मेरा नहीं जंगल लग रहा था। और ये सारे मैंने कपड़े धो दिए हैं, और भी कपड़े हैं जो स्नान करने के बाद धोऊंगी, खाने के बाद, अभी तो नहीं धोऊंगी। और इधर मेरा देखिए अभी तो गंदा है इधर का, और इधर का ना मैं अगले बार साफ़ करूँगी, लेकिन इधर का भी मैं सब साफ़ कर दूँगी, अच्छा लगेगा देखने में। और ये देखिए मेरा आंगन। तो बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो इतना ही था, थक गई हूँ तो अब आगे वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाऊँगी।
तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस यहीं तक है, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो वीडियो भेजने में थोड़ा लेट आज हो गया है, तो इसके लिए सॉरी।